After yesterday's disappointment over Vinesh Phogat's disqualification, all of India's medal hopes are on the boy with the golden arm, Neeraj Chopra. Neeraj is taking the field tonight in Paris to defend his gold from the Tokyo Olympics and add to India's current medal tally of 3 bronzes, all of which have come in shooting events so far. A gold in Paris will make him the 5th athlete and the 1st from Asia to successfully defend the men's javelin throw title at the Olympics. Remember, Neeraj had a fine show at the qualification event as the reigning world champion outclassed the field with a mammoth throw of 89.34 meters. So we are now currently in exclusive conversation with the father of Neeraj Chopra, Mr. Satish. Sir, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आज देर रात मैच है. पिता के तौर पे क्या भाव निकल गया था, क्योंकि दो साल पहले जब मैच था तब भी हम आपसे मुलाकात करने आए थे, अच्छा माहौल था. इस बार क्या एक्सपेक्टेशन से, क्या उम्मीद कर? बिल्कुल, पूरे देश को उम्मीदें हैं, सिर्फ हमें ही नहीं, वो पूरे परिवार, उसका मतलब देश का बेटा है. तो जब पूरे देश को उम्मीदें तो परिवार को भी पूरी उम्मीदें हैं कि जैसे पीछे टोक्यो में प्रदर्शन हुआ था, अब की बार भी वैसे ही जी जान लगा देगा अपने देश को खुशी के पल देने के लिए. इस वक्त जहां हम बातचीत कर रहे हैं, आपका गांव खंडरा करके है जो पानीपत में पड़ता है, अब से लेके क्या माहौल हम सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके घर के बाहर? बस वही पिछली टोक्यो ओलंपिक की तरह पूरी तैयारियां हैं और बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाएगी जिसमें सभी रिश्तेदार या गांव के आसपास के जो गांव के लोग हैं सभी बढ़िया से बैठ के देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. अच्छा अच्छा. आमतौर पे हम सब लोग देखते हैं जीतते हुए, लेकिन जीत से पहले की जो मेहनत होती है वो कम ही लोगों को दिखाई पड़ती है. आप चूंकि उनके पिताजी हैं, किस तरीके से आपने उनको स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए देखा, कुछ बता पाए अगर आप? जी बिल्कुल, ये मतलब एक नीरज की ही बात नहीं, ये जितने भी अपने खिलाड़ी हैं चाहे वो किसी भी फील्ड का है, ये मतलब एक वाकई एक काफ़ी मेहनत का काम है. हम आराम से इस पोडियम तक नहीं पहुंच पाते. जो एक ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना यहाँ तक भी मतलब काफ़ी एक स्ट्रगल है हर खिलाड़ी के जीवन में. Joining me on the show on Mirror Now is Neeraj Chopra's uncle, Mr. Bhim Chopra. Mr. Bhim Chopra, namaskar, good evening. Thank you very much for speaking with Mirror Now. Sabse pehle, kya mahol hai, Neeraj ka final match hai, kya mehsoos kar rahe hai sab wahan par? Ji, sare gaon mein bade utsahit hai, gaon ka pura hi desh bilkul intezaar mein baitha hai. भाई कब मैच शुरू हो और कब वो परफॉर्म करे और कब देश के लिए अच्छा रिजल्ट आए, तो हम भी ऐसी इंतजार में बैठे हैं कि भाई देश के लिए वो अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करके देश के लिए कुछ बढ़िया ऐसा करके आए, भाई देश में मान, देश का मान सम्मान बाहर बढ़े. मिस्टर चोपड़ा, लास्ट आपकी कब बात हुई थी नीरज से, कुछ उन्होंने बताया उनकी प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं, उनका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है ओलंपिक्स में? क्वालिफाई मैच के बाद मेरी बात हुई थी, तो उसका कहना था भी अंकल जी मैं पूरा मतलब अपने मन से भी और मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी मजबूती से हुई है, मैं मन से भी मजबूत हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और मतलब इतनी मेहनत कर रखी है तो मेरी कोशिश रहेगी मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूं और देश के लिए मैं कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे के आऊं, देश को अच्छे रिजल्ट्स दूं ताकि देश का मान सम्मान बढ़े. जी, पर्सनल बेस्ट की बात की जाए मिस्टर चोपड़ा, तो 89.34 मीटर्स नीरज ने अपने परफॉर्मेंस दिया था ग्रुप बी क्वालिफाइंग राउंड में, क्या वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, क्या आपने उससे और उम्मीद लगाई थी, क्या थॉट्स हैं उसके बारे में? जी दरअसल ये जो क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई राउंड होता है, तो इसमें मेनली सभी प्लेयर्स का ये रहता है कि भाई अपना 100% ना दे के बस सिर्फ क्वालिफाई तक जाएं हम, ताकि आने वाले जो इवेंट हैं उसमें हम भागीदारी ले सकें. तो मुझे लगता है उसकी क्वालिफाई जो थ्रो थी वो 89.34 मीटर की, तो हमें उम्मीद है वो इससे भी और भी बेहतर थ्रो करेगा फाइनल में. मिस्टर चोपड़ा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे,
आज नीरज का बहुत बड़ा मैच है, वो अपना गोल्ड डिफेंड करेंगे। पूरी देश की नजरें आज नीरज चोपड़ा पे होंगी आज रात में। क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को जब वो देखेंगे कि नीरज चोपड़ा आज जैवलिन थ्रो में परफॉर्म करने वाले हैं अपने फाइनल मैच में? मैं सभी देशवासियों को यही मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी बच्चे वहां खेलने के लिए गए हैं सबका हौसला बढ़ाएं, सबको दुआएं और आशीर्वाद अपना दें। और मेहनत, वो बच्चे मेहनत करके ही इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गए हैं, क्योंकि ओलंपिक में भाग लेना भी एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा 150 करोड़ का देश है, इसमें से हम जी 117 प्लेयर हमारे गए हैं, तो ये समझो उनकी वो बरसों की मेहनत है। कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से। तो सभी देशवासी जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही अपनी दुआओं में और अपने आशीर्वाद उनको देते रहिएगा, और ऐसे ही बच्चे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते रहेंगे। आने वाला समय है जो भारत का, वो खेलों के उसमें खेलों में बहुत बढ़िया जाने वाला है। काफी सारे जो नए बच्चे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी मिस्टर भीम चोपड़ा, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको आज रात को। देखते हैं कि नीरज चोपड़ा कैसे परफॉर्म करते हैं। आई एम श्योर ही विल डू वेल। बट व्यूअर्स, लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू माई कॉलीग निखिल लखवानी, हु इज एट नीरज चोपड़ाज रेजिडेंस। निखिल, अ बिग बिग डे, नॉट जस्ट फॉर नीरज चोपड़ा, हिज फैमिली, हिज लव्ड वंस, बट द एंटायर कंट्री, ऑल ऑफ अस विल बी इन फ्रंट ऑफ आर टेलीविजन सेट्स टूडे वॉचिंग नीरज चोपड़ा डिफेंड दैट गोल्ड एट द पैरिस ओलंपिक्स। गेट अस ऑल द एक्साइटमेंट, द एंग्जाइटी, द नर्वसनेस फ्रॉम नीरज चोपड़ाज रेजिडेंस देयर। वेल करेक्ट श्रेया, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम वेन आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। लास्ट टाइम वेन आई केम हेयर वॉज द टाइम वेन नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड फॉर दी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, एंड नाउ येट अगेन ऑल द एक्सपेक्टेशंस आर वेरी मच हाई। वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम दी विलेज खंडरा ऑफ द पानीपत डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, एंड दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रीट विच इज बींग शोन टू यू बाय वीजे अभिषेक। एंड इन अ शॉर्ट फाइल फ्रॉम नाउ द एक्साइटमेंट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी विटनेस्ड राइट हियर। वॉट वी हैव बीन टोल्ड दैट आउटसाइड द रेसिडेंस ऑफ नीरज चोपड़ा देयर आर गोइंग टू बी मैनी ऑफ द अरेंजमेंट्स विच आर गोइंग टू बी मेड फॉर ऑल दोज पीपल, ऑल दोज locals as well, including those who have come to cover it, for a proper screen to watch the entire match. Although as per the Indian time, post 11:30 p.m. is what we have been given to understand that the match is going to start of Neeraj Chopra. This is for the game of javelin, and this is the particular residence. This is the house of Neeraj Chopra, and right outside the house you can see that some of the movement can be seen here, experienced here, and these are the local people. These are the people who live nearby. Some of them are neighbors, some of them have come from nearby villages as well, and we can see some of the locals who have gathered here. Let's take a quick view from देम। सर आप बताइए, आप पड़ोसी हैं नीरज जी के? जी बिल्कुल पड़ोसी हैं, और जब से वो टोक्यो ओलंपिक्स जीते हैं 2021 से, आप लोग क्या फील करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी प्राउड की बात क्या हो सकती है? जैसे आप यंगस्टर्स को देख सकते हो यहाँ पे, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा मोटिवेट मिला सबको। सभी अभी जैसे ग्राउंड में जाने लग गए, पहले फोन में ज्यादा बिजी रहते थे, अब ग्राउंड में ज्यादा बिजी रहते हैं, और दो तीन लड़के अच्छे निकल के आए आगे, नर्सरियों में सिलेक्शन वगैरह हुआ उनका। तो पॉजिटिव चेंज आपको यहाँ पे देखने मिला है गेमिंग को लेकर के, स्पेशली कुछ डेवलपमेंट भी इसके बाद आपको लगा कि थोड़ा सा चेंज गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आया यहाँ के लेकर? वो इश्यूज है उसमें काफी, क्योंकि अभी इतना कुछ हुआ नहीं है जितना उम्मीद कर रहा सारा। ठीक है, आज के गेम के लिए क्या उम्मीद है? बिल्कुल आज फिर हिस्ट्री होगी और डबल गोल्ड हो जाएगा नीरज कप की बार, डेफिनेटली। ओके सर, दिस इज द व्यू श्रेया विच इज कमिंग इन फ्रॉम द नेबर्स हियर, एंड दीज आर द पीपल हु आर सिटिंग राइट आउटसाइड द हाउस, एंड दीज आर द रिलेटिव्स, सम ऑफ द पीपल आर लोकल्स एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन, एंड इन अ शॉर्ट फाइल फ्रॉम नाउ दे आर गोइंग टू बी अरेंजमेंट्स विच आर गोइंग टू बी सीन इन कंटेक्स्ट टू द ऑल द गेमिंग विच इज गोइंग टू बी सीन हियर। लेट्स टेक अ क्विक व्यू येट अगेन फ्रॉम भीम जी। भीम जी एक बार अगर आप खड़े हो जाए, श्रेया वी आर येट अगेन स्पीकिंग टू हिम। भीम जी एक बात बताइए, आप तो चाचा जी हैं, आप भी काफी फेमस हो गए, आप भी कम फेमस नहीं है वैसे? अरे कुछ नहीं, फेमस फामस भाई अपना काम चला रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं आज के मैच को लेकर के, आप लोग को लेकर के, खास करके आप लोग टेंस हैं, क्या फीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं? भाई थोड़ा बहुत तो निखिल प्रेशर होता ही है भाई, इतना बड़ा इवेंट है तो इतने बड़े इवेंट पे कंधों पे 150 करोड़ आदमियों का बाहर मान सम्मान लेके वहां पे गया है, तो
उस पे भी प्रेशर है, हमारे पे प्रेशर है। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक तो एक बोलते हैं ना धक धक कलेजे में होती रहती है, वो तो है ही भाई। फैमिली को भी धक धक इक्वली होती है? बिल्कुल होती है भाई। वहाँ पे पूरी मान लो पिछले 10-12 साल से वो इस फील्ड में है खेल की, तो वो सारी चीजें याद आती है, कहाँ से शुरू किया, कैसे गया, कितनी मेहनत करी उसने, सब घर बार छोड़ रखा है पिछले काफी सालों से। घर में भी वो एक साल में मुश्किल से ये वो 2-3 दिन या मैक्सिमम 4-5 दिन के लिए आता है, उसके बाद सब खाना पीना कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ये सारी चीजें होती है। तो वो त्याग है उन बच्चों का जितने भी बच्चे गए हैं, और उम्मीद करते हैं हमें भाई वहां से ज्यादा मेडल ये जीत कर लाए। ये तो हो गई सीरियस बात। अगर एक लाइटर नोट पे मैं बात करूं, नीरज चोपड़ा यंग है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या शादी को लेकर के भी कोई चर्चा है नीरज चोपड़ा की? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं है। वो अभी तो यही चीज बोलता है भाई मैं अपने खेल के प्रति डेडिकेटेड हूं, जब मैं मुझे लगेगा भाई मैं मतलब मेरे को टाइम है इन चीजों के लिए तो मैं शादी तब करूंगा। इस लड़कियों का क्या जो लुक फॉरवर्ड कर रही? All right, my colleague Nikhil there, of course, talking with the family members of Neeraj Chopra, from his uncle to his friends to the people of, people who are his neighbors, who he's grown up with. All of them, of course, looking forward to tonight's final match where Neeraj Chopra will be defending his gold. Remember, at 2020 Tokyo Olympics also, he had won that gold medal, made all of us proud. The entire country waiting with bated breath today to see how Neeraj performs. Of course, there's a lot of optimism, there's a lot of hope, there's a billion dreams rallying behind Neeraj Chopra today as he goes for gold once again and makes all of us proud.